चलो भाई शुरू करते हैं पहले, ठीक है। सो पहले मैं आपको 7.1 के वो दो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो अभी हमारे छूटे हुए, एंड देन वी विल डिस्कस द नेक्स्ट 7.66 तक, ठीक है। आपका बच्चे नाम क्या है? धैरिका। धैरिका, तो धैरिका अभी 7.5 के दो क्वेश्चन बचे हैं, पहले मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 7.6 जहाँ से स्टार्ट होगी ना, वहाँ से थोड़ी चीज़ें रिलेटेबल होगी, ठीक है। 7.5 वाला क्वेश्चन भी कर रहे हैं। तो गाइज आप लोग मुझे बताएं, सब बच्चे जब हम 7.5 कर रहे थे तो कौन से दो क्वेश्चन बचे, जल्दी बोलो मुझे। आ जाओ, कुछ बहुत अच्छा क्वेश्चन ही बचा हुआ है, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, पहले करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 है, इंटीग्रेशन ऑफ अच्छा, आपका दिमाग सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख के क्या कहता है कि नीचे दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फर्दर फैक्टराइजेबल नहीं है, और अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्दर फैक्टराइजेबल नहीं होती है तो आप लोगों के दिमाग में आएगा कि मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक से कर लूं। लेकिन एक प्रॉब्लम मुझे तो नजर आ रही है इसमें, आपको क्या नजर आ रही है? बहुत अच्छा, ये सर प्रॉपर फ्रैक्शन में आई कौन सी फॉर्म बोलो, इम्प्रॉपर, क्योंकि ऊपर भी एक्स की डिग्री बोलो कितनी है 4, नीचे भी कितनी बोलो 4, और नीचे भी यू विल गेट एक्स की पावर 4 मैक्सिमम, तो डिग्री दोनों की सेम है, और अगर दोनों की डिग्री सेम है तो आप जानते हैं कि मैं अगर डिग्री सेम होती है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होता, तो पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। लेकिन एक्स की पावर 4 की टर्म्स में डिवीजन थोड़ा सा बोलो क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, पेचीदा हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, जब मुझे दिखता है कि मेरे क्वेश्चन में सारी टर्म्स एक्स की हैं, मतलब सारी टर्म्स एक्स स्क्वायर है, इधर कनिका मेरे पास सारी टर्म्स एक्स स्क्वायर है, तो क्यों ना उस एक्स स्क्वायर को कुछ लेट कर दो। लेट की एक्स स्क्वायर को मैंने क्या मान लिया, पी मान लिया, क्या मान लिया बोलो, एक्स स्क्वायर को मैंने क्या मान लिया, पी मान लिया, मान लिया कुछ पी जैसा, तो यही बोलो क्या लिखा जाएगा, अरे ये क्या लिखा जाएगा बोलो, पी प्लस वन, और इसको dx। बच्चों एक बात सुन लो, आप लोगों सर मैं डिफरेंशिएट क्यों नहीं कर रहा था एक्स स्क्वायर को कुछ माना, देखो यार वो हम क्या करते थे, वहां पर हम पुट करते थे एक्स स्क्वायर को टी और फिर इसको चेंज करते थे, सारा सिस्टम टी में, बट मैंने पुट नहीं करा, मैंने लेट करा है, यार एक बार मानते पुट और लेट कर, लेकिन पुट करना है वहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया वहां पर और सारी चीजों को चेंज भी करा, लेट ना होता उसकी जगह पर मैंने कुछ मान लिया है से, तो उसकी जगह पर बस ये चीज लेट कर लिया। सो लेट एक्स स्क्वायर बराबर बोलो क्या, पी, तो ये पी हो गया। अब जरा मुझे तो बच्चे क्या आएगा, सब बच्चे तो क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस में बोलो क्या आएगा, एक 2p और एक p बोलो कितना आएगा, 3p प्लस में 2 आएगा, नीचे आएगा बच्चों p स्क्वायर प्लस में 7p प्लस में 12, दैट इज dx। इज देयर एनी प्रॉब्लम, दिस इज नॉट इन द प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लाने के लिए क्या करना होता है ये मैं तुम्हें सिखा चुका हूं, बोलो कैसे करेंगे, इस p स्क्वायर प्लस 7p प्लस 12 से डिवाइड करेंगे, बोलो किसको, p स्क्वायर प्लस 3p प्लस में 2 को, चलो बोलो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से, क्लास प्लीज 1 से करना पड़ेगा, तो 1 से करते के साथ ही बोलो क्या आएगा, p स्क्वायर प्लस में 7p प्लस में 12, यू विल माइनस 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 कैंसिल, माइनस का 4p माइनस का 10, रिमाइंडर मिल गया आप लोगों को, जैसे मिल जाए रिमाइंडर बोलो क्या करते हो आप लोग, क्या करते हो आप लोग, अंदर वाले डिविडेंड को, अंदर वाले डिविडेंड को, डिविडेंड का बोलो क्या लिखते हो, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस, तो नीचे वाला तो सेम रहने दो यार, इसको तो सेम रहने दो, और अंदर वाले डिविडेंड को आप लोग लिखते हो डिवाइजर, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस, कुछ समझ में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, बताओ जरा, जब ये इससे कटेगा तो बोलो कितना आएगा, एक तो 1dx और एक इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, बोलो कितना आएगा, या माइनस का कोई कॉमन ले लो, p प्लस में पाई अपॉन में, प्रॉब्लम ओ 2p प्लस 5 अपॉन में p स्क्वायर प्लस में 7p प्लस में 12। अब आप लोग बस मुझे ये बताओ, अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है सर, बिल्कुल अब प्रॉपर फ्रैक्शन है, और अब मेरे लिए इंटीग्रेशन करना बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि सर मैं इसका इंटीग्रेशन कैसे करूँगा, सर बच्चे बताओ, अब आप चाहो तो अब आप एक्स को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, अब आप कर दीजिए सब्स्टिट्यूट, या तो आप सब्स्टिट्यूट कर दो, या फिर आप थोड़ा सा देखो, दो तरीके आपको जो अच्छा लगे वो करना, क्या आप लोगों ने क्या करा, एक तो इसको यूँ कर लिया कि 2x स्क्वायर प्लस में 5 अपॉन में, नीचे बोलो क्या आ जाएगा, नीचे आप लोग करोगे तो वापस से वो कौन सी क्वेश्चन आ जाएगी बोलो, y क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी,
लेकिन अगर नीचे तो फैक्टराइज कर दो, बताना जरा 2p प्लस में 5 अगर नीचे देखो फैक्टराइज कर दो तो कितना आएगा, p प्लस कितने में तोड़ रहा है 6 में, तो p प्लस 6 एंड p प्लस इंटीग्रेशन को क्या कर सकता हूँ, समझ ध्यान देना भाई, इंटीग्रेशन को मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स माइनस का 2 टाइम्स ऑफ डी की जगह पे आप लोगों को पता है एक्स स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर प्लस में 5 अपॉन में बोलो कितने से बचे, सब बच्चे बोलो कितना आएगा, x स्क्वायर प्लस में क्या 4 और x स्क्वायर प्लस में बोलो क्या 3। अब ये क्वेश्चन मुझे जरा बताओ ध्यान से, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं, अरे ये क्वेश्चन प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं सर, है ऊपर x स्क्वायर नीचे x की पावर 4 है, और मुझे पता है सर इस क्वालिटी को और उस क्वालिटी को डील कैसे करना है, याद है ax + b / this और cx + d / this, अरे यार मुझे क्वाड्रेटिक को पार्शियल फ्रैक्शन में करना नहीं आता, तो अब हो जाएगा नहीं हो जाएगा, या तो ये ऐसे कर लेना, ये आपका मेथड है, अब या तो आप ऐसे कर लेना इसको पार्शियली फ्रैक्शनेट कर लेना, या एक और तरीका बता देता हूँ सुन लो, समझ में तुम्हें आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले मुझे तुम्हें बताओ क्लियर नहीं है तक। अब एक और तरीका क्या है कि तुम लोगों ने इसको मान लो आई वन लेट करा हुआ हो रहा 2p प्लस में 5 अपॉन में बोलो क्या p प्लस 4 p प्लस 3, दो तरीके बता रहा हूँ जो तुम्हारा दिल करे वो कर लेना। एक तरीका तो ये था कि यहाँ तक जान बुझ के ऐसा क्यों लिखा है, बिकॉज मुझे पता है मैं x की पावर 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरे लिए क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा, तो मैंने x स्क्वायर को लेट कर लिया p और उसको बिल्कुल क्वाड्रेटिक में डील कर लिया, क्वाड्रेटिक में डील करके मैंने उसको डिवाइड करा, डिवाइड करने के बाद मैं यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचने के बाद मैंने फैक्टर बनाया और मैंने कहा वापस से p को रख दो x के, क्योंकि पंगा पता क्या है ये p में है और वो x में है, ऐसा इंटीग्रेशन में आपने कभी नहीं देखा कि ये p में हो और वो x में हो, या मान लो ये t में हो और वो x में, तो ये t में है तो वो भी t में और ये x में तो ये भी x में, ऐसा ही होना चाहिए, ये p में तो ये भी p में होना चाहिए था बट नहीं है, तो p को वापस से किसमें लाना पड़ेगा x में, गाजियाबाद समझ में आ रही है भाई, अगर तुमने इसको t में करा तो ये भी t में कर दो या तो फिर तो वो सिंगल सारा एक ही वेरिएबल हो जाएगा, फिर कर देंगे उसको, लेकिन मैंने क्या करा बच्चों ये p में था वो x में था, तो मैंने वापस से p को बोलो किसमें चेंज करा, बोलो x में, और अब ये उस फॉर्मेट में है जिसके बाद तुम लोग जानते हो मुझे क्या करना है इसका, मुझे बताओ तुम इसको क्या करोगे बोलो, अगर मेरा आई वन ये है, पहले इसी को देख लेते हैं, अगर मेरा आई वन ये है सो हाउ कैन यू डील विद दिस सिचुएशन, अच्छा क्वेश्चन है ध्यान रखना और बाकी क्वेश्चंस के मुकाबले, तो इसको कैसे डील करोगे भाई कि 2x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 3 कैन बी रिटन एज, बोलो क्या, बहुत अच्छे, और बोलो क्या cx प्लस d अपॉन में x स्क्वायर प्लस, जैसे ही तुम्हें a b c d सब मिल जाएगा तुम्हें पता है इसका इंटीग्रेशन भी आता है ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, इसका भी आता है ऊपर लीनियर नीचे, हो जाएगा कोई मुश्किल नहीं, लेकिन अगर इससे भी ज्यादा इजी तरीका ढूंढना है ना तो आपके सामने ये वाला मेथड है, ये आपका बना हुआ है, अभी भी p की वैल्यू मत पुट करो जब तक आखिरी स्टेप ना आ जाए, तो क्या करो बच्चों आपको पता है कि मैं इसको कैसे डील करूंगा 2p + 5 अपॉन में p + 4 और p + 3, जरा बताओगे तुम इसको कैसे लिखते हो, a अपॉन में p + 4 और b अपॉन में, अब यहां से a और b सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट कर दूं, तो ऑन सॉल्विंग आपकी a की वैल्यू आ जाएगी 3 आ जाएगी बच्चों, a की वैल्यू 3 आ जाएगी और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, b की वैल्यू माइनस नहीं आ रही है बस में, ठीक है सो b का वैल्यू माइनस है, तो a भी आ गया b भी आ गया, अब तो मुझे बताओ जरा जो मेरा इंटीग्रेशन i1 है व्हिच कैन बी, अरे सॉल्व कर लेना आप लोग वैसे, इंटीग्रेशन जो i1 है वही चीज ऐसे लिखी जा सकती थी व्हिच कैन बी रिटन एज a, a यानी बोलो कितना 3 अपॉन में p + 4 और b बोलो कितना बच्चों माइनस का 1 अपॉन में क्या बोलो p + 3 और बोलो क्या dx, चलो भाई चलो बताओ बताओ फटाफट से, 3 आएगा 1 अपॉन में p + 4 आएगा dx आएगा, 1 अपॉन में p प्लस 3 आएगा dx आएगा, बस एक बात का अब आपको ध्यान रखना है वो है लास्ट का, यार आप लोग ना जब तक इंटीग्रेशन नहीं कर रहे ना तब तक चला लो ऐसे ये p और वो x, लेकिन जिस समय इंटीग्रेशन करना है ना उस समय अगर ये x में तो ये भी इसमें होना चाहिए, लेकिन भी फॉर्मला गलत बन जाएगा, चीज़ गलत हो जाएगी, बिकॉज आप इसको मान लोगे लीनियर और लिख दोगे log p प्लस 4, बट आप जानते हैं p तो बोलो क्या है x स्क्वायर, ये है तो एक्चुअल में 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 4 जिसमें आपको पता वो लगेगा tan इनवर्स वाला फॉर्मला, जानते भी जानते, तो जो लास्ट स्टेप जहां पर आपको इंटीग्रेशन करना है ना उधर बी केयरफुल कि अगर आप पूरा क्वेश्चन तीन में चला के ले हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, बट व्हाइल इंटीग्रेटिंग यू हैव टू राइट दिस पी एज अ, अब जरा मुझे बताओ अब इजी हो गया कि नहीं हो गया,
कंपैरेटिवली उसके ज्यादा उसके मुकाबले ज्यादा आसान है कि नहीं होगा। अब इसका आंसर भी आता है, इसका आंसर भी आता है, I1 जैसे ही आ जाए I1 को पुट कर देना यहाँ पर, वो वाला तुम्हारा ऑलरेडी हो चुका है। क्वेश्चन के दो तरीके हैं, दोबारा सुन लीजिए भाई, एकदम सब अच्छे देखना बंद करो, दोबारा सुनो, आयशा नहीं आ रही बात सुननी। क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या थी सर? पहली बात तो ये क्वेश्चन प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं है, और जब तक कोई क्वेश्चन प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं होता मुझे उसको पहले प्रॉपर बनाना होता है। उसको बनाने का तरीका क्या होता है आपको पता, डिवाइड करना पड़ता है। लेकिन मुझे क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या दिख रही है, एक्स स्क्वायर और 4 इन्वॉल्व है, तो मैंने सभी एक्स स्क्वायर को एक चीज मान लिया, पी मान लिया, तो ये बन गया पी के टर्म्स में, फिर ये ऐसा बन गया, फिर डिवाइड कर लिया तो ऐसा बन गया, और लास्ट में ऐसा बन गया ना। डिविजन करते करते लाए प्रॉपर फ्रैक्शन बन चुका है, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब या तो यहीं पर पी को बोलो किसमें कर लो, बोलो एक्स स्क्वायर में, उसके बाद तो क्वेश्चन मानने मुश्किल नहीं है, बिकॉज तुम्हें आता है नीचे दो क्वालिटी हो, और अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो यू कैन डील विद दिस, है ना। बट अगर तुम्हें नहीं करना है ऐसे, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, इसको अभी भी लीनियर ट्रीट करके चलो, पूरा पार्शियली फ्रैक्शन कर लो, सब कुछ कर लो, सब कुछ कर लो, लास्ट में जब लेकिन डिफरेंस इंटीग्रेट करना हो तो ये dx और ये p कभी नहीं चलेगा बच्चों से, क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो आप लोग याद करिए कि अगर ये dx है तो या तो ये भी x ही होगा, या ये अगर ऐसा है तो ये भी x ही होगा, मतलब ये x में तो ये भी x में, ये x में ये भी x में, लेकिन आपका क्या दिख रहा है, बोलो ये p में और वो x में, बिकॉज p इज द x स्क्वायर एंड देन यू कैन इंटीग्रेट। तो भाई आपको समझना पड़ेगा कि चाहे वैसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, काम बन जाएगा। क्लियर नहीं आ रहा समझ में, मुश्किल लग रही चीज, अरे डील हो जाएगा भाई, इससे ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, आप लोग घर पे मेहनत कर रहे हो नहीं कर रहे, तभी आपको समझ में आएगा। मुश्किल क्वेश्चन आपको मुश्किल ज्यादा लगने लगेगा अगर आप लोग घर पे नहीं पढ़ रहे हो, घर पे पढ़ रहे हो लगेगा रिलेटेबल कि हाँ सर ये तो आता है पार्शियल फ्रैक्शन की, कैसे बात समझ आ गई। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन और बचाओ तो जल्दी बोलो कौन सा, 20 अच्छा 21 क्वेश्चन में ना बच्चों को कुछ आइडिया लग नहीं पाता कि इसमें क्या करें, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन मैंने ऐसा कुछ नहीं सिखाया आप लोगों को। लेकिन अगर सोचें ये e की पावर x की जगह पे कुछ t होगा तो बढ़िया क्वेश्चन है। तो होता क्या है, इसमें मर्जी होती है, आप लोग क्या करें, e की पावर x माइनस हमको कुछ t जैसा मान लो, ये याद करना पड़ेगा क्वेश्चन में, e की पावर x माइनस हमको क्या मान लो t जैसा, तो मुझे बताओ e की पावर x का डेरिवेटिव क्या आएगा, e की पावर x dx बराबर क्या आएगा, बोलो 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 dt ऊपर ना, तो e की पावर x dx है dx है, तो dx बोलो कितना आ जाएगा। लेकिन आपको फिर वही बात है, क्वेश्चन पूरा का पूरा t में ही करना है, तो मैं बताता हूं, जैसे इसको t मान लिया, अरे ये t मान है, और dx को अगर मैं लिखूंगा अभी, तो dt / में e की पावर x को e की पावर x तो बच जाएगा क्वेश्चन में, मतलब पूरा क्वेश्चन किस में लेके आना होता है, t में, तो dx पूरा t में आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। आप लोगों ने अगर e की पावर x माइनस हमको t बोला, तो e की पावर x एक्चुअली में क्या है, t प्लस 1, सो योर dx विल बी रिटन एज, dx विल बी रिटन एज dt अपॉन में, बोलो क्या, अब ये क्वेश्चन क्या बन चुका है, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल नकली है, क्योंकि अब आप लोग जानते हैं कि 1 अपॉन में t इनटू में t प्लस 1 को मैं लिख सकता हूं a बाय t प्लस, चलो तो सॉल्व करने पे a कितना आएगा, तो a आएगा 1, b कितना आएगा, b आएगा माइनस, कर लेना a आएगा 1, आप सॉल्व करना जानते हैं, मैंने सिखाया आप लोगों को कैसे करना है, तो मेरे को पता है कैसे होगा, a 1 आएगा, b आएगा, बोलो माइनस, अब सीधा इंटीग्रेशन करो कितना आएगा, 1 अपॉन t इनटू t प्लस 1 को मैं लिख सकता हूं a बाय दिस, यानी 1 बाय में t माइनस का 1 अपॉन में t प्लस 1 dt, जल्दी से बोलो कितना आएगा, पहले वाले का log t, अगले वाले का log t प्लस 1 प्लस में c व्हिच इज इक्वल टू log t की वैल्यू बोलो कितनी है, ex माइनस 1 माइनस का log ex माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, कट जाएगा e की पावर x प्लस में c, दिस इज योर फाइनल इंटीग्रेशन। इस क्वेश्चन में बस ध्यान देना होगा, नीचे वाले को t मान लो एंड बाकी सब कुछ t में कन्वर्ट कर लो, हो जाएगा। तो दो क्वेश्चन छुड़वाए थे, बिकॉज दो क्वेश्चन एक्सरसाइज से थोड़ा सा हटके बिहेव कर रहे हैं, ये भी हटके बिहेव कर रहे हैं, तो थोड़ा वो वाला भी हटके, तो बस इसलिए मैंने दोनों को छोड़ा था, बाकी सारे के सारे मैं आपको ऑलरेडी क्लास में करा चुका हूँ, बाकी सारे डायरेक्ट थे। अगर पार्शियल फ्रैक्शन की थीम को अगर आप पकड़ना चाहते हैं तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि जब डिनोमिनेटर में लीनियर टर्म्स आएंगे, लीनियर का स्क्वायर आएगा, क्वाड्रेटिक आएगा, सो हाउ कैन यू डील विद दिस, वो मैंने तुम्हें सिखाया था, नहीं आ रहा अब नहीं, एक्सरसाइज शुरू करेंगे। भाई इसको टी माना, ई की पावर एक्स से ई की पावर एक्स होगा, डी की पावर डी टी, डी एक्स कितना आएगा, डी टी बाई में ई की पावर एक्स, और ई की पावर एक्स को ऊपर से निकाले, ठीक है सर, ये सब कुछ मुझे, अगर मैंने इसको टी माना तो मुझे डी एक्स भी पूरा टी में लाना पड़ेगा, अगर मैंने इसको टी माना तो डी एक्स भी पूरा टी में लाना पड़ेगा, तो ई की पावर एक्स को भी चेंज होगा, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, आई थिंक पढ़ता डी वाला। अब देखो भाई, अब करते हैं नई एक्सरसाइज शुरू, अरे शुरू भाई, सभी बच्चों से बोल रहा हूँ मैं, आप लोग इंटीग्रेशन पढ़ें घर पे,
बिना घर पे पढ़े इंटीग्रेशन नहीं आएगा, सिर्फ ट्यूशन ट्यूशन में नहीं आएगा। मैं आपको करवाए जा रहा हूँ, आगे बढ़े जाऊँगा। आप लोग कितना साथ के साथ करोगे ये डिपेंड करता है। अभी तक बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं है जिन बच्चों को इंटीग्रेशन अच्छे से आता है। आप जरा बताओगे मुझे, 7.1 में बेसिक इंटीग्रेशन करा था हम लोगों ने, बस टर्म्स को अलग अलग करना होता था, इंटीग्रेट हो जाता। 7.2 इज द इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। 7.3 में सब कुछ वही था, ट्रिग्नोमेट्री आ गई बस। 7.4 में वो 6 फॉर्मुला में काम करा था, और 7.5 में पार्शियल फ्रैक्शन। अब तक कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना, आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे क्वेश्चन किस तरीके से होना है। या तो वो पार्शियली फ्रैक्शनेट हो जाएगा। अच्छा, पार्शियल फ्रैक्शन कैसे पता लगेगा कनिका? नीचे क्या मिलेंगे मुझे? लीनियर टर्म्स, लीनियर का स्क्वायर, या फिर बोलो क्या क्वाड्रेटिक, सब कर लेंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो पार्शियल फ्रैक्शन के दिखने वाले हैं आप लोगों। और ऐसा नहीं दिखा तो बोलो क्या दिखेगा भाई? वैसा दिखेगा सर, ऊपर लीनियर, नीचे क्वाड्रेटिक, या नीचे सिर्फ क्वाड्रेटिक, भाई 7.4 हो जाएगा। अरे नहीं आ रहा यार। तो बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। नाउ वी विल कम टू द एक्सरसाइज नंबर 7.6। इसको बुलाते हैं बच्चों बाय पार्ट्स। क्या बुलाते हैं इसको? बाय पार्ट्स। अब ये क्या? अब सब बच्चे लिखना बंद कर दो, लिखना बंद करो सब बच्चे, और बोर्ड पे सही बच्चों की नजरें बिल्कुल बोर्ड। सो नाउ वी डिस्कसिंग द बाय पार्ट्स। अब बाय पार्ट्स क्या? बाय पार्ट्स कहता है कि मान लीजिए कि दो चीजें अगर मल्टीप्लाई हो गई और फिर उसका इंटीग्रेशन कर। अब ये मैं सोचिए सर, तो हमने यू और बी और डी एक्स ले लिया, यू और बी एक्स की टर्म्स में होगा, जैसे मान लो ये साइन एक्स होगा, ये एक्स स्क्वायर होगा, तो होगा वो एक्स का फंक्शन। तो कोई दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही, जैसे कि आप लोगों ने प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, किसमें बोलो? डेरिवेटिव। यहाँ प्रोडक्ट रूल तो नहीं बोलते, इसको बाय पार्ट्स बोलते हैं, कि जब भी एक्स के दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है और ये वाला फंक्शन मेरा फर्स्ट फंक्शन है, और वी मेरा बोलो कौन सा फंक्शन है। लेकिन आप कहेंगे सर ये जरूरी है क्या? सर ये बहुत जरूरी है फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का नाम। एक फर्स्ट फंक्शन है और एक सेकंड फंक्शन है, तो जो इसका इंटीग्रेशन होता है वो कैसे करना होता है? कहते हैं फर्स्ट फंक्शन को रख दो, फर्स्ट फंक्शन को रख दो, सीधा दूसरे फंक्शन का बोलो क्या कर दो? इंटीग्रेशन। माइनस में ध्यान देना, इस ब्रैकेट में कुछ करना है। क्या करना है बोलो? इस पहले वाले फंक्शन का करना है डेरिवेटिव। क्या करना है बोलो? इस डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव। दूसरे वाले फंक्शन को बोलो क्या करना है? इंटीग्रेट। उसमें कुछ आ जाएगा? अरे पहले का डेरिवेटिव करो, दूसरे का बोलो क्या करो? इंटीग्रेशन। कुछ तो आ जाएगा, कुछ जो भी आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन करना है डीएक्स के साथ। ये कुछ अब आपको सर एक इंटीग्रेशन हो गया, तो आपने तीन लगा दिए फॉर्मूले में। मुश्किल नहीं है, अभी कराऊंगा तो तुम्हें बहुत आसान लगेगा। आपको बस फॉर्मूले याद होने चाहिए जो पढ़ाएंगे। दोबारा सुनिए, चिंता बिल्कुल मत करिए, बहुत इजी लगने वाला है। क्या करोगे बोलो? जब भी दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रखे हैं तो उसका इंटीग्रेशन करना है। पहले को रखोगे, दूसरे का बोलो क्या करोगे? डेरिवेटिव। सॉरी, पहले को रखोगे, दूसरे का बोलो क्या करोगे? इंटीग्रेशन। फिर माइनस का साइन लगाओगे और एक ब्रैकेट सॉल्व करोगे। ब्रैकेट में क्या होगा बोलो? पहले का डेरिवेटिव इनटू में दूसरे का इंटीग्रेशन। जब ये हो जाएगा, जो भी आएगा उसका फिर से बोलो क्या कर दोगे? इंटीग्रेशन। नाउ यू विल गेट द यू इनटू बी का इंटीग्रेशन। एग्री और नॉट? करके देखते हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी जरूरी बात है, इसमें आपको एक पैटर्न याद करना पड़ेगा जिसको हम आई लेट बुलाते हैं। आई लेट ना जान कुछ के इस ऑर्डर में बनाया गया है। आप मुझे बताओ, आपके फॉर्मूले में ज्यादा किसका इंटीग्रेशन हो रहा है, यू का या वी का? सोच के बताओ सर, बच्चे यू का या वी का? सर वी का, फिर वी का। सर यू का तो डेरिवेटिव हो रहा है। तो कहते हैं कि आपको हमेशा ना, अच्छे सुनिएगा, आपको हमेशा सेकेंड फंक्शन उसको मानना है जिसका इंटीग्रेशन इजिली हो जाता है। सेकेंड फंक्शन उसको मानना है जिसका इंटीग्रेशन, अब आपको इसे इजीली दूसरे का भी नहीं होता, मैं आपको दिखाता हूँ इजीली होता है। बताओ जरा e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? बताओ कितना आसान है ना? आसान साइन x का भी आसान ही है, माइनस cos x है ना। तो कुछ चीज़ों का बड़ा आसान होता है और कुछ चीज़ों का बड़ा क्या होता है? मुश्किल। तो इसमें एक ऑर्डर लगाया हुआ है। ऑर्डर क्या लगाया हुआ है? जिनका मुश्किल है उसको पहले लगाया हुआ है। ये होते हैं इनवर्स फंक्शन। बोलो जरा इनवर्स फंक्शन कौन से होते हैं? साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स। अरे चैप्टर पढ़ा पूरा, चैप्टर नंबर 2। एल माने क्या होता है? लॉगरिथम। क्या होता है बोलो? फिर बोलो ए माने क्या होता है? एलजेब्रा, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब। टी माने बोलो क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री। ई माने बोलो क्या होता है? एक्सपोनेंट। अभी लिखिए मत यार, समझो पहले। ये ऑर्डर ऐसे है कि अगर मान लीजिए दो फंक्शन दिए हुए, मनीषा लिखो मत, तो आपको ध्यान रखना जो पहले दिया हुआ है इस ऑर्डर में उसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, और सेकंड वाले को बोलो क्या मानोगे?
और ये आप जानते हो कि इसी ऑर्डर में इनका इंटीग्रेशन भी आसान है, e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x, डायरेक्ट पता है। इसको मैं सेकंड फंक्शन मानूंगा हमेशा किसी की रिस्पेक्ट में। ठीक होगा sin x का माइनस cos x, cos x का sin x, बड़ा इजी होता है बच्चों। एलजेब्रा यानी x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, उससे किसी ने पूछा तो मैं बड़ी जल्दी कर दूंगा x की पावर 3 बाय 2, बोला है कि नहीं, लेकिन वही मुश्किल हो जाएगा लो x का इंटीग्रेशन में, जानता ही नहीं कुछ नहीं 1 बाय x, अरे वो लो x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय x, बट लो x का तो इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया नहीं, फिर मैंने आपको इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं सिखाया, मैंने इसका इंटीग्रेशन सिखाया ही नहीं, बताया नहीं आपको इसका डेरिवेटिव, तो मैं बताया 1/√1 x का, बट इंटीग्रेशन नहीं पता। तो मुझे उनके इंटीग्रेशन नहीं, जिनके नहीं पता उसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, जिसका पता उसको। अब आप नहीं जाए तो कॉम्प्लिकेसी हो रही है यार, कुछ नहीं करना, आईलेट का ऑर्डर याद कर लो, क्या याद कर लो बोलो, आईलेट का ऑर्डर, और बस उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन ट्रीट करना, दिखाई दो वैसे। अच्छा ये फॉर्मूला दोबारा लिख लो भाई, कुछ बुक्स में ऐसे मिलेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन dx, बोलो क्या करेंगे दोबारा बोलो, फर्स्ट को रखेंगे, सेकंड को इंटीग्रेट करेंगे माइनस का साइन, बोलो क्या, फर्स्ट को डेरिवेटिव करेंगे, सेकंड को इंटीग्रेट करेंगे, और जो आएगा उसको पूरे को इंटीग्रेट करेंगे। गाड़ी का चलिए क्वेश्चन शुरू, पहला क्वेश्चन इंटीग्रेट, इंटीग्रेट x स्क्वायर log x, बच्चों बोर्ड पे x स्क्वायर log x, मुझे कितनी चीजें नजर आ रही है, मुझे दो चीजें नजर आ रही है, एक नजर आ रहा है x स्क्वायर और एक नजर आ रहा है, चलिए किसको फर्स्ट फंक्शन मानो, मैं जो किसको फर्स्ट फंक्शन मानो, x स्क्वायर log x में किसको फर्स्ट फंक्शन ट्रीट करो और किसको सेकंड, लिखो मत, लिखो मत परीक्षा बोर्ड पे, दो फंक्शन है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक x स्क्वायर एक log x है, लेकिन किसको फर्स्ट फंक्शन मानो, आईलेट के ऑर्डर में जाओ, लॉगरिथम पहले आता है भाई, यहाँ पर लॉगरिथम पहले आता है अलजेब्रा, यस लॉगरिथम पहले आता है अलजेब्रा, सर बड़ा क्लियर है, आई लेट एल, एल स्टैंड्स फॉर द लॉगरिथम एंड ए स्टैंड्स फॉर द अलजेब्रा, सो दिस इज अलजेब्रिक टर्म्स ना, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 3 ये सब अलजेब्रा होते हैं, इसको नेम तो पूछ लीजिए कौन सी टर्म वालों, तो ये लॉगरिथम है और ये अलजेब्रा है गाइस, गाइस फोकस करिए, तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा बोलो लॉगरिथम, और सेकंड फंक्शन कौन होगा अलजेब्रा, सो इसी को आप लोग लिख दोगे जानबूझकर कि सर मैं इसको लिख सकता हूं लॉग एक्स, कोई प्रॉब्लम थोड़ी नहीं आया मल्टीप्लाई में आगे पीछे, दो इंटू चार और चार इंटू दो एक ही बात होती है। चलो सब बच्चे बोलो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, कैसे करोगे ब्रो, सर फर्स्ट फंक्शन को रखेंगे, लिखो मत कोई बच्चा समझो, फर्स्ट फंक्शन को रखेंगे, सेकंड का बोलो क्या करेंगे इंटीग्रेशन, माइनस में एक ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा सर, क्या बोलो, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकेंड फंक्शन का, और सर यहाँ पर हमें पूरे का इंटीग्रेशन फिर से करना, सही बात है कि नहीं, इतना आसान है, तुम्हें लग रहा था क्वेश्चन मुश्किल है, अब बोलो log x को रख दिया, x स्क्वायर का हो जाएगा x की पावर 3 बाय 3, माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ log x का डेरिवेटिव होएगा 1 बाय x, अरे होएगा डेरिवेटिव, और x की पावर 2 का बोलो इंटीग्रेशन x की पावर 3 बाय 3, और यहां आ गया dx, क्या ही मुश्किल है, बताओ कितना आ गया, log x * में x की पावर 3 बाय 3, यहां से आपको कट के दिख रहा है बोलो क्या आ रहा है, अच्छो x से x क्यूब कट गया, x स्क्वायर आ गया, 3 को बाहर ले लो तो माइनस का 1 बाय 3 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, और ये हो गया भाई क्वेश्चन, हम क्वेश्चन हो गया बोलो x क्यूब * में log x / 3, अरे आगे पीछे कर सकते हो ना, कई लोग गलती से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसलिए कर दिया मैंने, कि x क्यूब * log x / 3, मतलब आप ये ना कर दीजिए कि x क्यूब को x से मल्टीप्लाई करके x पावर 4 लिख दो, ये पूरा log x है और पूरा x क्यूब है, यहां पर ऐसा हो गया, इसका मतलब कितना आएगा x की पावर 3 / 3, x की पावर और कितना हो जाएगा, माइनस का x की पावर 3 बाय 2 प्लस में c, छोड़ दीजिए हो गया, मुश्किल था आपको लग रहा था मुश्किल, लेकिन मुश्किल नहीं है, अंदर बस ध्यान रखना डेरिवेटिव करना है, फिर सेकंड इंटीग्रेशन करना है, फिर नेट इंटीग्रेशन, क्लियर हुआ कि नहीं, बहुत मुश्किल हो गया, बोलो बोलो इजी है ना, ट्राई करोगे अब करो, एक क्वेश्चन ट्राई करो, बोलो जो बोल रहा हूं वाला करना, चलो ये करना पहला x sin x करना x sin x, x sin x
साइन थ्री एक्स का जब इंटीग्रेशन कर रहे हो तो कर रहे हो माइनस कॉस थ्री एक्स बाई थ्री भी था। चलो बताओ क्या करना चाहिए, बोलो सर पहले को रखना चाहिए दूसरे का माइनस में इंटीग्रेशन लगाऊंगा, सर पहले का मैं क्या करूंगा बोलो डेरिवेटिव, दूसरे का बोलो क्या करूंगा, अरे क्या मैं सही बोल रहा हूं, बन गई बात। अब क्या करेंगे बोलो, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स माइनस में बोलो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा 2x। अब देखो आप लोगों की प्रॉब्लम आने वाली है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x और e की पावर x का आएगा e की पावर x, e की पावर x का e की पावर x, ये हो गया और इसका हो गया 2x और बच गया dx, कोई प्रॉब्लम? अब इधर फिर देखते हो इंटीग्रेशन में बनता है x into e की पावर x, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये तो फिर दोबारा से अलजेब्रा और एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो रहे और फिर दोबारा से आइडेंटिटी टेक्निक सिचुएशन आ रही है? तो कभी कभी ऐसा होगा कि एक बार आइडेंट लगा देने के बाद जो आपका एक्सप्रेशन आएगा उसमें दोबारा से बोलो क्या लगना पड़ेगा, क्योंकि दोबारा से एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल सिचुएशन आपको दिख रही है। नहीं आने बात समझे, नहीं आ जाए सबको क्लियर होगी वाली बात। अरे भाई सिर्फ एक्स होता तो अगर देता एक्स स्क्वायर बाय दो, अगर एक ही पावर एक्स की पावर स्क्वायर ऐड कर देता, लेकिन ये तो दोनों से मल्टीप्लाई हो रही ना, और जब भी मल्टीप्लाई होने बोलो कौन सा रूल लगेगा बोलो आई एट, नहीं आ रही बात समझे, तो मेरे को दोबारा से आई एट लगाना पड़ेगा जिसमें बोलो इस सिचुएशन में। तो मुझे बताओ क्या बनेगा सर बच्चे, एक्स स्क्वायर ए की पावर एक्स माइनस में दो ले लो बाहर, अंदर क्या बचेगा बोलो, सही बोल रहा हूँ, दोबारा लगाओ आईलेट। अगर मैं दोबारा आईलेट लगाऊंगा बच्चों बोर्ड पे देखना है आप लोगों को, तो यहाँ पर एक ब्रैकेट बना लो, मैंने ये वाला ब्रैकेट बनाया और क्या करा बोलो x को रखा फिर e की पावर x का बोलो क्या, डोंट वरी दोबारा लगा दो क्या समस्या है, माइनस में मैं एक ब्रैकेट में क्या सॉल्व करूंगा जरा बताओगे, x का डेरिवेटिव e की पावर x का इंटीग्रेशन और जो भी आएगा उसको पूरे को इंटीग्रेट करूंगा फिर मैं ये ब्रैकेट लगा, बोलो क्लियर है कि नहीं? यहाँ पर मैंने दोबारा से वो आईलेट का पूरा एक्सप्रेशन दे दिया, बताओ कितना आया, एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस का दो, और बोलो कितना आया अंदर, अंदर बताओ कितना आएगा, x e की पावर x का e की पावर x माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1 e की पावर x का e की पावर x, तो ये पूरा हो गया e की पावर x और बाहर है dx और ये बाकी, बोलो आंसर कितना आ गया, x स्क्वायर e की पावर x माइनस का 2 टाइम्स, अंदर बोलो क्या आया x e की पावर x माइनस का e की पावर x प्लस में बोलो क्या c, एंड यू कैन राइट इट एज x स्क्वायर e की पावर x माइनस का 2x e की पावर x माइनस का 2 e की पावर x प्लस में c। तो क्या सीखा इस क्वेश्चन में,
या तो आईलेट पूरा आंसर कंप्लीट करवा देगा या आईलेट के बाद दोबारा से आईलेट क्वेश्चन में लग जाएगा। क्लियर हुआ? दो बार आईलेट लगाने पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। एग्री करते हो कि नहीं करते सब बच्चे? चेतन समझ नहीं आया सर। कनिका डाउट लग रहा है? या तो आईलेट लगाने पे हो जाएगा या दोबारा से आईलेट लग जाएगा। एक और थर्ड क्वेश्चन का ट्विस्ट लीजिए। ट्विस्ट सारे बता देता हूँ आपको क्या क्या बन रहा है। कराओ अगला, सबको समझ में आ रहे हैं? नोट करने लगे पीडीएफ से, पीडीएफ भेज दो। अगला देखो, समझ में आ रहा है ना? अगला क्वेश्चन क्या है मुझे ये और मजेदार, ये और इंटरेस्टिंग केस है। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स साइन एक्स। चलो बोलो कौन सा फर्स्ट फंक्शन होगा? एक्सेस हो जाएगी सारी, बस आप लोग देखो कौन सा फर्स्ट फंक्शन होगा। सर ये होगा फर्स्ट और ये क्या होगा? करें शुरू। चलो बोलो क्या करना चाहिए मुझे, क्या करना चाहिए? बोलो बोलो बोलो। साइन एक्स को रखेंगे सर, इंटीग्रेशन करेंगे ई की पावर एक्स का, माइनस में इंटीग्रेशन करेंगे सर, साइन एक्स को करेंगे डेरिवेटिव और ई की पावर एक्स को करेंगे इंटीग्रेशन और फिर ये डीएक्स। एनी प्रॉब्लम? ध्यान दीजिए, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइन एक्स आएगा, इसका ई की पावर एक्स आएगा, माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बोलो? कॉस एक्स। और ये आएगा बच्चों क्या? e की पावर x और dx। क्योंकि बच्चों इसका पूरेगा हो गया e की पावर x, इसका हो गया cos x, तो बाहर वाला dx से। अरे कोई दिक्कत है? अब क्या लगता है कि हो गया इंटीग्रेशन या फिर दोबारा आईलेट लगाना पड़ेगा? क्योंकि सर फिर ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंट है, फिर ट्रिग्नोमेट्री और सर फिर लगाना पड़ेगा सर आईलेट। क्या लगा दो, बोलो कितना आएगा? माइनस में एक ब्रैकेट बनाया, cos x को मैंने लिखा, सबकी नजरें बोर्ड पे क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ अलग होने वाला है पिछले वाले के मुकाबले, इसे सब ध्यान देना, ध्यान से बोर्ड लगा। cos x को लगा, इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस में इंटीग्रेशन, और बोलो क्या करना चाहिए मुझे? cos x का डेरिवेटिव e की पावर x का इंटीग्रेशन और फिर इंटीग्रेशन और फिर मान। समझ में आता है मैं क्या कर रहा हूं? एक कर्ली ब्रैकेट बना के मैंने इसको लगा, फर्स्ट को सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस में फर्स्ट को डेरिवेटिव करा, सेकंड का इंटीग्रेशन करा, फिर पूरे का इंटीग्रेशन करा। क्लियर है कि नहीं? जान मुझे कर्ली से बनाएंगे, कर्ली के अंदर क्लोज होते क्लोज के अंदर ये होते बनाने का, जो मर्जी बना ले, गलत नहीं करता कोई बात। अब बताओ कितना आया? साइन एक्स इंटू में ई की पावर एक्स माइनस में, इंपॉर्टेंट है नजरे बोर्ड पर, कॉस एक्स, और ये क्या हो जाएगा बोलो? ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स। इसका बोलो कि कॉस एक्स का रेट कितना होगा? माइनस साइन एक्स को माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन में बोलो क्या बनेगा? साइन एक्स और ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स और डी एक्स। क्या आंसर हो गया इस बार सर? फिर आ गया, एक बार और कर दे। नहीं नहीं देखिए, ये कभी खत्म ही नहीं हो सकता। क्यों खत्म नहीं हो पाएगा? साइन एक्स को डेरिवेटिव करोगे कॉस एक्स आ जाएगा, कॉस एक्स को डेरिवेटिव करोगे और ई की पावर एक्स इंटीग्रेशन में ई की पावर एक्स, तो कभी खत्म होने वाला है नहीं। लेकिन आप ये पाएंगे कि जब तुमने क्वेश्चन शुरू करा था तो क्वेश्चन क्या था? ई की पावर एक्स, और जिसको तुमने आई माना था, जिसको तुमने क्या बोला था बोलो? इसका इंटीग्रेशन आई होगा, तो यही तो तुम आई मानते चल रहे। और मुझे दिखेगा कि मेरा जो क्वेश्चन है ना बीच में क्रिएट हो गया, यही तो क्वेश्चन है। अरे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ई की पावर एक्स, नाजिया क्वेश्चन क्या है पढ़ो, क्वेश्चन क्या है? यही तो है सर। तो इस इंटीग्रेशन को मैं क्या बोल सकता हूँ? आई। क्या बोल सकता हूँ बोलो? समझो मेरी बात को, मेरा मेन टारगेट क्या है? आई निकालना। क्या निकालना बोलो? आई। और मैंने कहा था मैं आई को सॉल्व करता आया था इस क्वेश्चन में, यहाँ पर राइट साइड में बोलो क्या बन गया? आई बन गया। दोबारा इंटीग्रेशन करने पर या तो खत्म हो जाएगा या वो क्वेश्चन वापस से आई जैसा ही दिखेगा सिचुएशन। नाजिया बात समझ में आ रही है? तो अगर ये आई है कुछ तो ये भी आई है। अरे ये आई नहीं है, ये आई क्यों नहीं है बोलो? अरे सर इंटीग्रेशन भी तो होना चाहिए ना सर, इंटीग्रेशन वाला आई, तो बोलो क्या आएगा सर? बच्चों ये आई बराबर में साइन एक्स इंटू में ई की पावर एक्स, साइन ऊपर कर रहा हूँ सब बच्चों की नजर बोर्ड पर ऊंची, माइनस का कॉस एक्स इंटू ई की पावर एक्स, और ये आएगा बच्चों माइनस का। चलो एक बार और इसका बढ़ा लेता हूँ ये, और तुम सब बच्चे मुझे बताओ ये क्या है? बहुत अच्छे, ये सर क्या है? सर ये है आई, ये है पूरा आई, तो माइनस का आई और ये रहा आई, तो आई में बोलो कितना हो जाएगा? 2i, 2i बराबर में इन दोनों में से चाहो तो मैं e की पावर x कॉमन ले लूं, बन जाएगा sin x माइनस बोलो क्या? cos x। अरे सही है कि नहीं? i क्या आ जाएगा बोलो? डिवाइड बाय 2 कर दो, ex / 2 sin x माइनस cos x प्लस में बोलो कितना? सीधा आपको लगाने का आंसर हो जाएगा। सो गाइस गाइस एक मिनट लिखना बंद कर दे, समझ लो या तो आईलेट लगाने पे क्वेश्चन वन टाइम में खत्म, या आईलेट लगाने के बाद दोबारा आईलेट लगाना पड़ेगा। अब दोबारा आईलेट लगा के या तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा जैसे पिछला क्वेश्चन का, और ये खत्म नहीं हुआ तो ध्यान रखना तीसरी बार आईलेट कभी नहीं लगाना है, दूसरी बार लगाने के बाद जो बना होगा वो क्वेश्चन से मैच कर रहा होगा, तो उसको आई के टर्म्स में लिख के उस आई को उस तरफ ले जाना,
और ऐड करके नेट आई निकाल लो, क्योंकि मेन मेन काम क्या है बोलो आई निकाल लो, क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं है? नहीं आया, पक्की बात है। अब तुम्हें बताया था कि कौन कौन से क्वेश्चन तुम लोग पूरे मतलब कंप्लीट रखना, चाहे मैंने कुछ क्लास में करवा दिए चाहे कुछ घर से करोगे आप लोग, लेकिन जो करवा मतलब हो जाने चाहिए एक्सरसाइज से, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। बारवां पंद्रहवां इक्कीसवां, अब आप कहेंगे सर बीच में गैप क्यों आ गया, बताएंगे कुछ क्वेश्चन थोड़े से अलग भी आप लोग ट्राई करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन हो थोड़ा तो पता लग जाए प्रैक्टिस। बारहवां क्वेश्चन ट्राई करना, एक बारहवां मुझे ट्राई करके दिखाओ अभी, अरे नहीं करो अभी करो, एक पंद्रहवां ट्राई करके दिखाओ, बारहवां और पंद्रहवां एक क्लास में लगी है, बारहवां और पंद्रहवां चेंज कर लो। sec square x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है आपको याद है तो tan x, गाइस
चलो बोलो क्या आएगा, सब बच्चे बताओ क्या आएगा। सर x को रखेंगे, sec square x को इंटीग्रेट करेंगे माइनस में, x को डेरिवेट करेंगे, sec square x को इंटीग्रेट करेंगे प्लस में c, एनी प्रॉब्लम? बोलो सब बच्चे कितना आएगा। x sec square x का सीधा इंटीग्रेशन होता है tan x, जो स्टेप नंबर वन फॉर्मूलास ना, फॉर्मूलास याद है हो जाएगा। माइनस में x का डेरिवेटिव बोलो कितना आएगा, 1, और sec square x का इंटीग्रेशन बोलो क्या आएगा, tan x। तो ये 1 और ये tan x, this will be tan x। ओहो नहीं आ रहा समझ में भाई, x का मान लूंगा डेरिवेटिव और sec square x का tan x हो गया, tan x हो गया। अब मुझे तुम बताओ जरा सब बच्चे, इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है, log sec x क्या होता है, बोलो। पढ़ लो, मैंने कराया तो है, उन्होंने क्या करा बच्चों, यहां पर sec को लिख दिया 1 by cos एंड देन दे विल अप्लाई द आइडेंटिटी ऑफ log, इसे प्लस साइन लगा रहा हूं यहां पर, देखो बीच में यहां पर प्लस होगा माइनस नहीं होगा, प्लस है ना। सो वो मैथमेटिकली क्या कर रहा है, वो लिख रहा है इसको log sec x को क्या लिख रहा है, 1 by cos। और log की ना एक प्रॉपर्टी होती है कि log 1 by m जो होता है ना वो माइनस log m होता है, क्यों, क्योंकि नीचे 1 by m है, ऊपर जाके वो m की पावर माइनस 1 हो जाएगा, log m की पावर n का n आ जाएगा, तो बन जाएगा माइनस log m। जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, 1% भी जरूरत नहीं है उस चीज की, आप ऐसे छोड़ के आना कोई गलत नहीं कर सकते, ठीक है, बिल्कुल यही छोड़ के आना है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, किसी को पीछे नहीं सोचना क्या दिया हुआ, सही है, वो कन्वर्ट करा हुआ है लॉग में, क्यों करें भाई कन्वर्ट, फॉर्मूला हमारे पास है, तो कर दिया उन्होंने बस, आपको नहीं करना, हो जाएगा। अब तो मुझे तो अगला क्वेश्चन जो 15वां था वो हो जाएगा, उसमें क्या करना था बोलो, किसको फर्स्ट फंक्शन किसको सेकंड फंक्शन, फर्स्ट सेकंड करके बताओ क्या हो जाएगा, ये वाला बोलो बोलो, डन बन जाएगी बात। मुझे ये बताओ आईलेट में कोई प्रॉब्लम लग रही है क्या, अरे बोलो भाई बंद करो, नहीं और करो, बचे हुए हैं उन्हें थोड़ा और कुछ बताना है मुझे, और कुछ भी ऐड करना है। कितना दो बहुत है, तो मुझे ये बताओ पहले, जितना मैंने क्वेश्चन दिए ये तो कर लोगे ना, अभी जो मैंने नहीं बोले वो करना ही मत, क्योंकि पहले मैं करा दूं उनको, आपको समझा दूं पहले क्या चीज है, फिर कर, कल ही क्लास अपनी शायद अली ना, अच्छा सुनो भाई, आप लोग मुझे मैथ्स का टेस्ट देंगे, और टेस्ट आप मुझे देंगे इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज नंबर 7.5 तक, ठीक है, 5 भी नहीं 6 भी ले लो, चलो 5 तक ले लो, 7.1 से लेके 7.5 तक ये टेस्ट आप लोग मुझे देंगे अपकमिंग वेडनेसडे को, मतलब जो वेडनेसडे आ रहा है, दे दो 5 एक्सरसाइज कर लो प्रैक्टिस, या अगले संडे कर लो, चलो अगले संडे, ठीक है, अगले संडे आप लोग का 5 एक्सरसाइज का टेस्ट होगा, पहली 5 का हाफ करके टेस्ट होगा सबका।